मैं नमन किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट, आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी का कुछ फिजिकल पॉइंट सिखाता हूँ। इन फिजिकल पॉइंट के माध्यम से आप कमर दर्द में आराम ले सकते हैं। ये तीन पॉइंट है, L5-S1 घिसाई, यानी कि लंबर और सैक्रल को मिलाकर हम एक पॉइंट देते हैं जिसको हम L5-S1 घिसाई कहते हैं। L3-4-5 यानी कि लंबर के L3 मन का, L4 मन का, L5 मन का, इसको ऊपर एक पॉइंट दिया जाता है जिसको हम L3-4-5 कहते हैं न्यूरोथेरेपी में। तीसरा है L5 फ्रैक्चर। L5 फ्रैक्चर नाम से जैसा पता चल रहा है कि अगर L5 मन के में फ्रैक्चर हो गया हो या कोई दर्द हो उसके लिए पॉइंट दिया जाता है, लेकिन सावधानी ये रखनी है कि हम इस मनके के ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, इसको इनडायरेक्टली पैर के ऊपर देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान करना है तीनों पॉइंटों में कि L5-S1 घिसाई, L3-4-5 और L5 फ्रैक्चर कंडीशन के आधार पर ही यह ट्रीटमेंट देना है। मैं आपको आज एक पॉइंट बताऊंगा L5-S1 कब देना है और कैसे देना है और क्या सावधानी रखनी है। L5-S1 घिसाई देते समय ये लोअर बैक पेन वाले पेशेंट को स्लिप डिस्क या लंबर स्पॉन्डिलोसिस इन तीनों कंडीशन में जिनको लोअर बैक पेन रहता है, मिडिल बैक पेन है, उस कंडीशन में आप ये पॉइंट दे सकते हैं। देना कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। L5-S1 घिसाई कहां देते हैं, तो आप देखेंगे कि जहां हम लोग बेल्ट लगाते हैं ये बेल्ट का एरिया है, यही हमारा L5-S1 मन का होता है। तो इस मनके के ऊपर आपने ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट देते समय जो हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो पैर से ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन आप घर में अगर किसी को बैक पेन वाले को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये हाथ से ही देना है। हाथ से कैसे देना है, पहले ये देख लीजिए, अपनी हथेली से L5-S1 वाले मनके पर हमें रगड़ना है, यानी रब करना है। ये 15-16 बार सेंटर में, 15-16 बार सेंटर में करना है, फिर ये राइट साइड में और फिर ये लेफ्ट साइड में। तो 15-16 बार यहां रख देंगे, उस मनके पर ही ज्यादा प्रेशर आपका वो रगड़ होना चाहिए, यानी कि आपका जो आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो L5-S1 के मनके पर होना चाहिए। फिर 15-16 बार होने के बाद में राइट साइड में और फिर लेफ्ट साइड में ध्यान करेंगे कि कपड़ा इतना स्मूथ होना चाहिए और ये पकड़ना है एक हाथ से, फिर आपको रब करना है। ऐसा करेंगे तो कपड़ा ऊपर नीचे जाएगा जिससे आपका हाथ आराम से नहीं चलेगा। फीमेल्स में ध्यान करें, साड़ी में ये देते समय आपको सावधानी रखनी है कि साड़ी पूरे एरिया पर होनी चाहिए ताकि जब आप ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आपका हाथ आराम से चले। जिन लोगों को इस एरिया में पेन है इस पॉइंट के देने से उनको बहुत आराम आता है। इसके बाद में जो हम L3-4-5 जो ट्रीटमेंट है ये इसके तुरंत बाद दिया जाता है, उसको कैसे देना हाथ से ये देख लीजिए। अगर हम स्ट्रक्चरल देखेंगे तो जो हमारा मन का था, जो मैंने कहा था कि बेल्ट वाला एरिया वो L5 है, L5 और उसके बाद में नीचे आ जाता है S1, यानी कि L5-S1। अगर L5 हमारा ये वर्टिब्रा है तो ये L2, L4, L3, L2, L1, यानी कि यहां से लंबर हमारा शुरू होगा। एक अंदाजे लेके चलते हैं अभी हम कि यहां से लंबर शुरू होगा L1, L2, L3, L4, L5 और S1। अब हमें देना है L3-4-5, यानी कि L1, L2, L3, L3-4 और 5, यानी कि तीन मनके पर, यानी कि इस इतने एरिया में हमें ये पॉइंट देना है L3-4-5। ये पॉइंट देते ही आपको कमर के दर्द में बहुत तुरंत आराम आ जाएगा। कैसे देंगे, हाथ को इस तरीके से रखना है, जहां मेरी उंगलियां रखी हुई है वहां से हथेली को आपको फिसलाना है, हल्का से ये टर्न करा और हथेली यहां से खिसकते हुए नीचे की तरफ जाएगी। अभी यहां था ये हमारा L3 हमने कवर किया, अब थोड़ा सा नीचे खिसकेंगे और L4 को कवर करेंगे और हाथ खिसकते हुए नीचे जाएगा
और उसी जगह से हथेलियां नीचे की तरफ चली जाएंगी। अभी L3-4 हमने L3 कवर किया था, L4 अब L5। अब यहां से इसी प्रकार से वही क्रिया दोहरानी है और ये नीचे चला जाएगा। इसी क्रिया को हम तीन बार दोहराएंगे, L3 थोड़ा नीचे, L4 थोड़ा और नीचे, L5 L3 थोड़ा नीचे, L4 थोड़ा नीचे, L5। यानी कि जहां हमने उंगली रखी है वहीं से आपकी हथेलियां जाएंगी, ये सावधानी रखनी है। और जैसे ही आप ये ट्रीटमेंट देंगे, आप पेशेंट से पूछेंगे, उनको कमर दर्द में आराम आएगा। यानी कि L5 और L5-S1 की साइड, L3-4-5 ये दोनों पॉइंट देते ही आपको कमर में तुरंत आराम आएगा। कमर दर्द कैसा भी हो, आप बस ये ध्यान करेंगे कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है तो बहुत हल्का प्रेशर देना है। जो ओल्ड लेडीज हैं या जेंट्स हैं या बुजुर्ग हैं, उनको बहुत हल्के प्यार से ट्रीटमेंट देना है। और ट्रीटमेंट देते समय वो प्लेन जगह हो, कपड़ा इस तरीके से हो कि वो प्लेन हो, और फिर उसके ऊपर हाथ से ट्रीटमेंट देना है। आगे की मैं वीडियो में आपको L5 फ्रैक्चर कैसे देते हैं, ये किसके लिए दिया जाता है, ये मैं सिखाऊंगा। धन्यवाद।